हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोको प्रिंट ऐप में पेपर को लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट केस किस तरह से कराएंगे। तो दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले मैं एक कोई पीडीएफ फाइल ले लेता हूँ, वो भी नोको प्रिंट ऐप में। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मेरे पास ये पीडीएफ फाइल है, इसे मैं नोको प्रिंट ऐप में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसे नोको प्रिंट ऐप में ओपन कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अभी आप यहाँ देख रहे हैं, पेपर कट रहा है, सकते हैं पेपर कट रहा है, ये पूरा पेपर कट रहा है। यानी कि जब ये पेपर मेरा पोर्ट्रेट में चल रहा है तो यहाँ पर पेपर कट रहा है। लेकिन ये पेपर केस कब सेट होगा, जब हम इसे लैंडस्केप कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑप्शंस, या फिर यहाँ आप किसी को भी ओपन कर सकते हैं। मैंने जैसे इसे क्लिक किया सेटिंग को, तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है साइज एंड लेआउट वाला, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ ऑप्शन मिलता है पेपर ओरिएंटेशन, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देखिए तीन ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लेकिन जो मेरा पेपर पीछे कट रहा है, वो मेरा फ़िलहाल कहाँ चल रहा था, मेरा पेपर चल रहा था पोर्ट्रेट पर, लेकिन मेरे को करना है ये लैंडस्केप में। ठीक है, मैं इस पर लैंडस्केप क्लिक करके इसे कर देता हूँ ओके। अब देखिए आपका पेपर फिट हो गया। अगर आपका पेपर, देखिए इसमें मैं आपको दो ऑप्शन और बता दूँ, यहाँ जैसे फिर मैं सेटिंग में चलता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको पेपर को जो पोजीशन होती है, पेपर की पोजीशन, उसे सेट करना है। तो देखिए मैं फिर पेपर एंड साइज लेआउट में चलता हूँ, यहाँ ऑप्शन मिलता है आपको पोजीशन वाला। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से सेट चल रहा है तो आपको सबसे पहले करना है सेंटर में। ठीक है, इसे आप सेंटर में कर लें और ओके कर दें। अब ठीक, अब इसके बाद में फिर से मैं सेटिंग में चलता हूँ। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है साइज एंड लेआउट ऑप्शंस। ठीक है, इसके बाद पेज स्केलिंग, ठीक है, इस पर फिर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आपको देखिए एक्चुअल साइज, यानी कि जो आपका पेपर का साइज होगा नॉर्मल वही चलेगा, लेकिन अगर आपको यहाँ से छोटा या बड़ा करना है, पेपर पर कट रहा है पेपर, या थोड़ा छोटा है या फिर ज़्यादा है, तो उसे किस तरह सेट करेंगे, आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको अगर पेपर ज़्यादा बड़ा है तो आपको 90 पर रख लेना है और ओके कर देना है। अब देखिए आपका पेपर एकदम फिट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पेपर का लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, पेपर की पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबाएं। दोस्तों ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा दोस्तों, और यहाँ से आप इसे कर देंगे प्रिंट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।